सेक्स स्कैंडल रहस्यमय युवती बंधा होती सुंदरी लेटी ब्लैकमेलर गिरफ लेटी होती अर्चना नाग घर हो कलाहांडी टाउन बापा रेलवे कर्मचारी भाव में कार्य करती स्वामी घर हो मयूरभंज बेतनटे से भुवनेश्वर पुराणा गाड़ी बेपार कर चलुला एवं अर्चना सहित मिसी कार्य लिप्त रही कल से फेरार हो जा महिला जनक अश्लील भिडियो कर ब्लाकमेल कर बड़ कथा प्रयोजक राजनेता करुले ब्लाकमेलींग मोबाइल सुट करुले ब्लाकमेलींग मोबाइल कि आपत्तिजनक दृश्य थी सूचना मिली एने महिला गिरफ कर खंडगिरी पुलिस महिला घर भुवनेश्वर सत्य बिहार जमापड़ पूर्व महिला तीनोटी थाना रे मामला अछि फिल्म प्रयोजक अक्षय परिजा को ब्लाकमेलिंग मामलें महिला संपृक्ति थिबार संदेह करा जाउछि एने नयापल्ली थाना रे एतला देथिले अक्षय परिजा ब्लाकमेलिंग रा शिकार हेबानी एतला देथिले अक्षय परिजा तबे पुलिस से संपर्क रे एचए स्पष्ट करिनि बड कथा होउछि गिरफ संपृक्त लेडी ब्लाकमेलर बिला समय जीवन जापन करथुले दामी कार चढ़ा सहित अयस्थ जीवन बिताऊ राजनेता आरंभ कर बड़ बड़ लोकों ब्लाकमेलिंग करने मुख्य काम था सोशल मीडिया रे प्रथम संपर्क बढ़ाते तापर ब्लाकमेलिंग कर लक्ष लक्ष टा मांगुते धामनगर उपनिर्वाचन प्रकाश पाला विधिवत विज्ञप्ति एस आज आरंभ हो नामांकन 14 तारीख नामांकन दाखल शेष तारीख अक्टोबर 15 में प्रार्थीपत्र जांच हो 17 तारीख में नामांकन प्रत्याहर करें प्रार्थी नवंबर 3 रे धामनगर उपनिर्वाचन भोट नवंबर 6 रे भोट गणति और फलाफल प्रकाश पाइब धामनगर उपनिर्वाचन विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश होई तेज आज आसंता 14 तारीख पर्यंत नामांकन पत्र दाखल हो विज्ञप्ति अनुयायी दिन 11-3 पर्यंत नामांकन पत्र दाखल हो भद्रक ब्लॉक कार्यालय नामांकन पत्र दाखल कर रिटर्निंग अधिकारी भाव में तिहिड़ी तहसीलदार को नियुक्ति दी प्रार्थी जड़े प्रस्तावकों नामांकन दाखल करेंगे से 17 तारीख दिन 3 मध्य प्रार्थीपत्र प्रत्याहर कर नामांकन पत्र दाखल भद्रक ब्लॉक परिसर में बैरिकेड व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी विष्णु सेठी परलोक पर उपनिर्वाचन हो श्रीमंदिर में नाबालक को जौन निर्यातना अभियोग गत 4 तारीख में निराद्री म्यूजियम निकट में घटी घटना पीड़ित बालक होती श्रीमंदिर भितर पूजा पंडा विद्यालय वेद कर्मकांड 13 वर्ष छात्र घटना पर श्रीमंदिर में पार्श्व देवादेवी मंदिर में पूजा कर सुदर्शन मिश्र को पुलिस गिरफ्त कर सिंहधर थाना मामला रुजु पर 5 तारीख दिन शिशु कल्याण समिति में छात्र काउनसलिंग सुदर्शन को पक्सो आईन में गिरफ कर कोर्ट चलाण कर पूर्व श्रीमंदिर भितर जौन निर्यातना घटना सामना को आ गिरफ हेले एपीओ भिजिलांस सेल बलांगीर जिला मुरीबाल ब्लॉक एपीओ आसिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर सुशांत दास गिरफ होती लांच नेबा बेले धरा पड़ी सुशांत 45,000 टंका लांच नेतुवा बेले गिरफ करी विजिलांस विभाग तेरे पोखरी मरामती काम बिल करदेक लांच मागिते तेरे गिरफ होती एपीओ भिजिलांस सेल बलांगीर जिला मुरीबाल ब्लॉक एपीओ आसिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर सुशांत दास गिरफ होती लांच नेबा बेले धरा पड़ी सुशांत दास 45,000 टंका लांच नेतुवा बेले से गिरफ होती पोखरी मरामती काम बिल करदेक से लांच मागिते समय देखा कि भिजिलांस टीम गिरफ करी लांच नौवा टंका 45,000 टंका जबत करी भिजिलांस ढेकराल जिला पर्जंग में बड़धरण डकायती होती व्यवसायी घर पशि नगद 7 लक्ष सहित 15 लक्ष टकर सुनाकणा लुटि नहीं दुर्बृत्त प्राय 6 जन दुर्बृत्त घरे पशि एभली डकायती करा जमापड़ गतकाल राति पर्जंग स्वाधीनपड़ा व्यवसायी विनय कुमार साहू घर होभली डकायती दुर्बृत्त मैंने घर सीढ़ी से आसी प्रथम बंधुक मानास्तर देखा गोटे घर भितर पर लोक बंदी करते व्यवसायी विनय साहू अनुपस्थित होई लुट
ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଲକର ଖୋଲି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପରିଜଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୁଣି ଫେରିଲେ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ଏହି ହାତୀ ଦୁଇଟି ବଣାଇ ରେଞ୍ଜର ବଣାଇ ସହର ତଳିତା ନୂଆଡିହି କୁରଡ଼ା ସାତକୋଟି କଂସରଘୁତୁରା ବେଲଡିହିର ପ୍ରାୟ 30-40 ଗାଁକୁ ରାତିରେ ଆସି 100ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ନ ଯିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତକୁ ନେଇ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ବଣାଇ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ହାତୀକୁ ରାତିରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏଥିସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ନିକଟରୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କେନାଲ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତଦେହଟି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁପଳ ଗାଁର ଗଙ୍ଗାରାମ ଚମ୍ପିଆଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୁ ଚମ୍ପିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୁକିତା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋସାଣୀ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯାହା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଗୋସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଦିଆଶିରୀ କାଠିରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିକୃତି ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଦିଆଶିରୀ କାଠିରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନାଗା ପ୍ରତିକୃତି ସମୁଦାୟ 4,737 ଦିଆଶିରୀ କାଠିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଚ୍ଚତା 22 ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 14 ଇଞ୍ଚର ଏହି ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 23 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ସଙ୍କଟରେ ପରିବା ଚାଷୀ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଇଗଣ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କଲରା କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଗଛମୂଳ ସଢ଼ିଯିବା ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଉଚ୍ଚପୁର ନରୁଡ଼ା ପାର୍ବତୀପୁର ସୁନିନ୍ଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିର ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧାର କରଜ କରି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ମଦମୋହନପୁରରୁ ଏକ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାତଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ନାୟକ ସାହିରେ ଏକ ବିରାଟ ସାପକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାପଟି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ଅଙ୍କୁଶପୁର ମଝିରେ ସାହିରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା 9 ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 19,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ନବପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲସୁନ୍ଦରୀ ସାହିରେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ 10 ପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ 4 ମହିଳା ଅଟକ 27,000 ଟଙ୍କା 7ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ନବପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାର୍କ ସାହିରେ ରହିଥିବା କେକେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫିସରେ ଚାଲିଥିବା ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ 8 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 48,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି 52 ବ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାସ୍ ଏବଂ 7 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏକ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ କିଣି ଚଢ଼ାଉଥିଲେ କିଛି ମାସ ହେବ ଖଣି ଖାଦନା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ରୁ କୌଣସି ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲୁଣ ଆଣି ଟ୍ରକ୍ କିଣିଥିଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର
किस्ति टंका तागिद करुथला से जगा बाड़ी बिक्री करी किछि ऋण सुचारथिले ऋण देथिबा संस्था पूर्ण करे तागिद करिवरो ऋण भर सही न परि से खरा करे मुकुंद रसि लगाई आत्महत्या करथिबार अभियोग होछि। डेरी आसब कम रभाव एथर शीत विलंबर आसब पूर्वानुमान करणिपाग विभाग कारण एजाए मौसुमी सक्रिय रही जार प्रभाव में वर्षा जारी रही सेपटे पछक पछ आसुची लघुचाप डिसेंबर जाए वर्षा राज्य में वर्षा रही पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास वर्षा हेले शीत विलंब हो दिन में तापमात्रा देखा कि कमिबो किंतु राति में तापमात्रा स्वाभाविक अधिक रहाद्वारा कम ठंडा अनुभूत हो तमिलनाडु आंध्र उपकूल में आसंता 9 तारीख में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो घूर्णिबलय प्रभाव में 9 10 तारीख में दक्षिण ओडिशा हो प्रबल वर्षा एने पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दीजाई ए वर्ष कम रीतर प्रभाव रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठू अधिक रड़े थंडार प्रकोप कम र ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମେଲାଣି ବାଜା ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପିଛି ପରିବେଶ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଥିଲା ଲୁହ ପୁଣି ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ଦଶହରା ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡମଣାରେ ହେଉଛି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରୁ ବାଜା ରୋଷଣୀରେ ଭସାଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଥିଲେ ମା ସବୁ କମିଟି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି କୁଆଖାଇ ଏବଂ ଦୟାନଦୀରେ କରାଯାଇଥିଲା ବିସର୍ଜନ ପୋଖରୀ ସେହିଭଳି କଟକରେ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ମେଢ଼ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଡିଜେ ସହିତ ବ୍ରାସ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଏବଂ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଥିଲା ପୁରା ସହର ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ ଲୋକେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ ସହରବାସୀ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପୁଣି କମିଲା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 82.33 ପଇସାକୁ ଛୁଇଁଛି ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର ଏବଂ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 82.27 ପଇସା ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 81.94 ପଇସା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି ଭାରତ ଜରୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମେସିନ୍ ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଗେଜେଟ୍ ଆମଦାନୀ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଡଲାର ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ବାବଦକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଶିବସେନା ଏବଂ ତାର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ପାଇବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଦଳ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏବଂ ଦଳର ଧନୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିଜେପି ସହାୟତାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଦଳ ଓ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ କମିଶନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏହି ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଜବତ କରିଛି କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋଟ 7ଟି ହାତ ଘଣ୍ଟା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିଛି ଆମେରିକୀୟ ଜୁଏଲେରୀ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଜାକବ୍ ଆଣ୍ଡ କୋର ଏହି ଦାମୀ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଏହି ଘଣ୍ଟାଟି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ହୀରା ଖଚିତ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାମିକା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପିଆଗେଟ୍ର ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଲା ଯାହାର ଦାମ 3,95,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଅନ୍ୟ 5ଟି ଘଣ୍ଟା ରୋଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 14,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି
दुबई आसीथिबा जने व्यक्तिंक ठारु ए सबु सर्वाधिक दामी घंटा जबत होईछि। घंटा व्यतीत गोटे हीरा ब्रेसलेट एवं आईफोन 14 प्रो मध्ये जबत करिछन्ति कस्टम्स अधिकारी। मोर जबत सामग्रीर मूल्य रहिछि 28,17,97,874 टंका। राष्ट्रपतिंको समालोचना करितबा कांग्रेस नेता उदित राज को जातीय महिला कमिशन को नोटिस। अहमदाबाद रे एक कार्यक्रम रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिले देश रे सबुठारु अधिक लुण गुजरात रो उत्पादित हेउछि। देशर 86% लोक गुजरात लुण खाउछन्ति बोली राष्ट्रपति कहिले, जहाकु चाटुकारिता आख्या देई ट्वीट करितले कांग्रेस नेता उदित राज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोनोसे उद्देश्य न रखी वास्तवता कहितबा पडे उदित राज किंतु राष्ट्रपतिंको समालोचना करिछन्ति। देशर सर्वोच्च सांविधानिक पदरे अधिष्ठित व्यक्तित्वंक प्रति एहा एक अपमान बोली बीजेपी अभियोग करिछि। उदितक एभळी मन्तव्यकु तीव्र समालोचना करिछन्ति बीजेपी राष्ट्रीय मुखपत्र संबित पात्र। सेपटे जातीय महिला कमिशन उदित राजको नोटिस जारी करिथिले मध्य से एबे बि तांक पूर्व मन्तव्यरे अडि बसिछन्ति। कंग्रेस दल किन्तु उदित राजको मन्तव्यरु निजकु दूरेइ रखिछि। एहा तांकर व्यक्तिगत मन्तव्य, एथिरे दलर किछि भूमिका नथिबा कंग्रेस कहिछि। दिल्ली उपराज्यपाल विनय सक्सेना को कटाक्ष करी ट्वीट करी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल लिखिंट एलजी साहेब मत जिते गाड़ी करती मो पत्नी मत एत गाड़ी करती ना गत छस एलजी साहेब जिते लव लेटर दे जीवन सारा मो पत्नी भी मत एत लव लेटर देना ट्वीट जरिए सीधासल उपराज्यपाल विनय सक्सेना को समालोचना करते केजरीवाल। अबकारी नीति आरंभ कर शिक्षा नीति को नहीं आप सरकार और उपराज्यपालों मत लगि रही बिवाद एभली विनय सक्सेना दुर्नीति में बुड़ रही अभियोग कर उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य अवस्था सुधार आसुनी एबेपी गुरुतर अवस्था चिकित्साधीन अच्छा मुलायम मेदांत हस्पिटाल आईसीयू में चली चिकित्सा स्वतंत्र मेडिकल टीम मुलायम को चिकित्सा करने स्थित पर नजर रखिछ। गत रविवार असुस्थ अनुभव करते मुलायम यापर तांको गुरुग्राम मेदांत हस्पिटाल में भर्ती करा जाई छी। मुलायम का पाखे अच्छा पुआ अखिलेश और बहु डिंपल यादव कौन नेता व कर्मकर्ता हस्पिटाल को न आसवाई दल पक्ष क दशहरू आरंभ हो रिलायंस जिओर 2 5G सेवार बीटा परीक्षण। यह सेवा देशर 4 शहर दिल्ली मुंबई कोलकाता वाराणसी आरंभ हो सेवा एवं केवल निमंत्रण आधार में प्रदान अर्थात निर्दिष्ट किसी जिओ ग्राहकों को यह सेवा व्यवहार करने लगे आमंत्रण कर दिल्ली में यह सेवा परीक्षण बेले ग्राहक मानी 1 Gbps अधिक स्पीड देखा मिली। परीक्षण बेले ग्राहक को वेलकम ऑफर भी मिले जो 1 Gbps पर्यंत स्पीड असीमित 5G डाटा मिले। वी केयर अर्थात आम आपण जत्न नेबू जिओ 2 5G से ही मूलमंत्र उपरे तैयारी होई। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा कृषि कौशल विकास क्षुद्र मध्यम बृहत उद्योग स्मार्ट होम गेमिंग भरी क्षेत्र को यह संपूर्ण बदल एवं 140 कोटी भारतीयों पर तार सीधासख प्रभाव पड़े। मुंबई में निर्माण हो नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केन्द्र एने घोषणा कर रिलायंस ट्रेलर निर्देशक ईशा अंबानी। मुंबईर बांद्रा स्थित जिओ वर्ल्ड सेंटर निर्मित हो सांस्कृतिक केन्द्र। तीन महला विशिष्ट सांस्कृतिक केन्द्र में कलापाई द ग्रैंड थिएटर द स्टूडियो थिएटर रहिबे। एडवांस टेक्नोलॉजी व्यवहार कर द ग्रैंड थिएटर में प्राय 2000 दर्शक बसवा व्यवस्था कर आसंता वर्ष मार्च 31 तारीख में यार शुभारंभ कर शुभारंभ अवसर में 3 दिन धरी स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन जातीय अंतर्जातीय स्तर अनेक कलाकार सामिल होते केन्द्र मां नीता अंबानी को समर्पित कर। माटी तिक्तता आकाश में बंधुता आमेरिकार महाकाश गवेषणा केन्द्र महाकाश को यात्रा आरंभ कर रुषिया महाकाशचारी। 5 जन महाकाशचारी महाकाश को जाते नासा और जापान महाकाशचारी अंतर्जात स्पेस स्टेशन अभिमुखे यात्रा कर रुषिया महिला महाकाशचारी आना किकिना। 20 वर्ष मधे प्रथम थर पर जड़े रुषिया महाकाशचारी आमेरिकार यह यात्रा आरंभ कर रुषिया महाकाश गवेषणा संस्था रस्कसमस मुख्य सर्गेल क्रिकालेव कहते यह आम बंधुतार नुआ अध्याय।
वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होइछि। मैसी पोल सह माड़ होगा पर एक्सप्रेस सामना पटर किसी अंश भांगि जाइछि। मुंबई गांधीनगर जावा समय मणिनगर स्टेशन निकट में दुर्घटनाग्रस्त होता वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन जाऊ हठात माड़ आसते तीन चारोट मईसी घटनास्थल में किसी मईसी मृत्यु होता पर एक्सप्रेस आग पट भांगि जाइछि। 20 मिनिट पर पुणि गढ़ा वंदे भारत एक्सप्रेस समस्त यात्री सुरक्षित अच्छा। सतस्तरी बल 205 रन एथे रही 22 छक्का 17 चौका यह टी20 रेकर्ड स्कोर एभली धुआंधार बैटिंग करे चर्चा में वेस्ट इंडीज क्रिकेटर रकीम करनवाल। आमेरिका चली आटलांटा ओपन टी20 मैच में एभली प्रदर्शन करते रकीम 77 बल 205 रन इनिंग्स करी अपराजित रही डानाटी बैट्समैन सोशल मीडिया में बेस्ट भाइराल होबार लगी रकीम करनवाल। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट पर वर्तमान सबुठ बड़ परमाणु संकटर सामना करुछि पृथ्वी यह कहते नीचे आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। रुषिया द्वारा अधिकृत अंचल को युक्रेन पुनः दखल लगी जोरदार उद्यम चल। प्रतिहत करने लगी रुषिया आणविक अस्त्र प्रयोग करे आशंका एथिलागि आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन कहते पुतिन सामरिक बाहन प्रदर्शन कम थ पुतिन एपरी करते। सेपर बिडेन कहते युक्रेन युद्ध में आणविक अस्त्र प्रयोग कथा बड़े रुषिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मज्जा करू ना। 1962 राष्ट्रपति जॉन केनेडी शासनाधीन युक्तराष्ट्र अमेरिका और निकिता शासनाधीन सोभियत देश क्यूबा में सोभियत क्षेपणास्त्र या कथ को नहीं आणविक युद्ध करने को संपूर्ण प्रस्तुत थे। एवं पाश्चात्य राष्ट्र सहयोग में तीव्र प्रतिरोध करुवा युक्रेन किसी अंश दखल को नेकल्प न मिले आणविक अस्त्र प्रयोग हो रुषिया बारंबार धमक दे आसूँ। यह आणविक आक्रमण अपेक्षाकृत छोटरण और निर्धारित अंचल भित्तिक होशेषज्ञ कहते। बिडेन कहते जे सीमित अंचल में आरंभ होगा आणविक युद्धर प्रभाव पर विस्तारित हो पारे पुतिन मजा करूना। से कहते पुतिन सेना युद्ध में भल प्रदर्शन करूना तेणु आणविक अस्त्र प्रयोग कर प्रलय आणवे कष्टर बोली विचार। दक्षिण ग्रीस बड़धरण नौका दुर्घटना हो शरणार्थी और प्रवासी को नहीं जाऊ दुईट नौका दुर्घटनाग्रस्त हो बुड़ी जात्रा कर 17 जन यात्री मृत्यु होता बेले प्राय 30 जन निखोज। पहाड़ में बाड़ हुई नौका दुईट बुड़ जाई दुर्घटना काल में उभय नौकर 130 रु अधिक लोक थे 80 जन उद्धार होता बेले 30 जन एवं भी निखोज। नौका पथर में बाड़ होगा जो लोक चित्कार कर स्थानीय लोके नौकर छिटकी पड़ा लोके निजक बचाई बेस चेषा कर देखा मिलता। उद्धारकारी टीम पहुंचा पर जो लोके पथर चटाण में लगे से दौड़ी पक उपरक उठाई उद्धार होता लोक निकटने एक बंद स्कूल रखाई निखोज लोकों संधान लगी उद्यम जारी रही। गंजे रखि कारण क्या जेल दंड देवा अनुचित एभली कहते आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। गंजे रखि कारण दोषी सब्यस्त होता बहुसंख्यक आमेरिका को राजा क्षमा प्रदान कर। खाली गंजे रखुवा कारण अपराधी सब्यस्त होता समस्त प्रति मु राजक्षमा घोषणा करती आहरी गंजे चोराचरा विक्रय और कम वयस्कों बिक्री उपर जो कटका था ता बड़बस्त्र रईलैंड गुड़माड़ होठार एक डे केयार सेन्टर में आखिबुजा गुड़माड़ कर जे पूर्वतन पुलिस कर्मचारी आतदाय गुड़माड़ चली जा 34 जन जीवन। एक डे केयारे मध्याह्न भोजन समय अनेक पिला खावाक जाता बेले 30 40 जन पिला बसि पड़े और पहुंची आखिबुजा गुड़माड़ कर अभुक्त मृतकों मध्य 22 जन शिशु या बेले वयस्क महिला अच्छा अनेक आहत को हस्पिटाल में भर्ती कर। निज स्त्री और पिला भी छाड़ी रक्त पिपासु एभली कि निज स्त्री और पिला हत्या करते पूर्वतन पुलिस कर्मचारी और शेष में निजे निजक गुड़ करते खबर पाई स्थानीय प्रशासन आलर्ट रही पुलिस और आंबुलांस पहुंची आहत मान हस्पिटाल को। थाइलैंड सरकार घटन दुख प्रकाश करने सहित आलर्ट रही प्रशासन को निर्देश देते जन पूर्वतन पुलिस कर्मचारी एभली कांड सारा थाइलैंड को स्तब्ध कर।
अभियुक्त जनक निशा द्रव्य सेवन करथिबारु केछि दिन पूर्व तांको ड्यूटीरु हटा जायथिला मानसिक चापरे पड़ी पूर्वतन पुलिस कर्मचारी एभळी करिथाई परंतु बोली अनुमान करा जाउछि स्थानीय पुलिस तदंत आरंभ करछि ইরানৰ হিজাব বিৰোধী প্ৰদৰ্শনক সমৰ্থন জনাই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ জনে মহিলা সাংসদ নিজৰ চুটি কাটিছতে সংসদৰ বিতৰ্ক সময়ৰে তে নিজৰ কেশ কাটি এই বিৰোধক সমৰ্থন কৰিছতে সুইডেনৰ নেত্রী আবি আল সল্লানি কৈছন্তি আমি ইউৰোপীয় সংঘৰ লোকে এবং নাগৰিক ইৰানৰ পুৰুষ আৰু মহিলাক বিৰোধী হৈতবা সমস্ত হিংসাক বিনা শর্তৰে তৎকাল বন্ধ কৰিবাক দাবী কৰিছো ভিডিও সে নিজ ট্যুইটর আকাউন্টে শেয়ার করেছেন সে কিন্তু যে পর্যন্ত ইরানর মহিলা স্বাধীনতা মিলি না সে আমি রহব নরওয়ে স্থিত ইরান হ্যুম্যান রাইটস অনুসারে মহসা আমিন মৃত্যু পরে দেশব্যাপী হয়ে প্রদর্শনের শহে অধিক লোক মৃত্যু হয়েছে ইরান স্কুল ছাত্রী এবং মহিলা মানে আমিন মৃত্যুর বিরোধে হিজাব জাড়া সহ বড় বড় র্যালির আয়োজন করছেন সরকার বিরোধী নারাবাজি করা সহ মহিলা মানে নিজের কেশ কাটুছেন অনেক বলিউড সিনেমায় অভিনয় করে লোকমানক মনোরঞ্জন করে প্রবীণ অভিনেতা অরুণ ওয়ালিঙ্কর 79 বর্ষ বয়সে মুম্বাইয়ে দেহান্ত হয়ে যাই বিরল স্নায়ু মাংসপেশী রোগ মাইস্থেনিয়া গ্রেভিস পীড়িত হয়ে বালি কিছুদিন হব অসুস্থ থাকে পূর্বর অরুণ বালি মেডিকালে ভর্তি হয়েছিল আজ ভোর সময় তাঁর দেহান্ত হয়ে যাই পুয় অনুষ্ক সূচনা দিয়েছেন এনে সে অনেক চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন সিরিজে অভিনয় করেছেন অরুণ বালিঙ্কর দুই ঝিও আমেরিকায় রয়েছেন সে আসবা পরে বালিঙ্কর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা যাব 1991 ঐতিহাসিক সিরিয়েল চাণক্যরে সে রাজা পুরু দূরদর্শন সিরিয়েল স্বাভিমানে অভিনয় করেছেন